आज मोदी की मुलाकात बाबा रामदेव से हुई, वही बाबा रामदेव जो बार बार कहते थे कि उसे ही समर्थन दूंगा जो काला धन वापस लेकर आएगा। हालांकि इस मुद्दे पर क्या बात हुई उस पर रामदेव ने चुप्पी साध ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर योग गुरु बाबा रामदेव बेहद गदगद थे। इन दोनों की मुलाकात से ये कयास लगाया जा रहा था कि काले धन पर इनमें गंभीर चर्चा हुई होगी, क्योंकि चुनावी दिनों में मोदी और रामदेव दोनों ही काले धन की दुहाई देते थे। दुनिया के देशों में हिंदुस्तान से लूटा गया जो सामान, पैसे, रुपये रखे गए हैं, एक एक पाई लाई जाएगी और गरीब की भलाई के लिए काम लगाई जाएगी। मोदी सरकार को और सावधान रहने की आवश्यकता है और ज्यादा तीव्र गति से काम करने की आवश्यकता है। अब तो कितने हमारे पास में इसके लिए हथियार हैं, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, एक बहुत बड़ी संधि भारत और स्विट्जरलैंड से लेकर के सारे टैक्स हेवन कंट्रीज ने भी कर रखी है, तो उसे भारतीयों का पैसा चाहे नाराइज का वो ब्लैक मनी हो सब हम ला सकते हैं। हंसी खुशी के साथ प्रधानमंत्री से रामदेव की मुलाकात खत्म हो गई, लेकिन बात बात पर बोलने वाले रामदेव जब बाहर निकले तो मीडिया के सवालों से कन्नी काट गए। सवाल पूछने वाले पूछते रह गए, लेकिन देश की तिजोरी को काले धन से भर देने का दम भरने वाले योग गुरु ने अपनी जुबान पर चुप्पी का ताला जड़ लिया था। क्या पता विवादों का खजाना खुल जाता। आम तौर से हर मुद्दे पर मुखर रहने वाले बाबा रामदेव पीएम से मुलाकात कर चुपचाप चलते बने। बस इतना ही कहा कि हर ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा हुई। इस खामोशी का कोई राज है क्या, या फिर बाबा रामदेव काले धन पर कोई ठोस आश्वासन लेने में सफल नहीं रहे। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक।